सुजानपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरा प्रेम कुमार धूमल के लिए प्रचार करने पहुंचे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने धूमल की जमकर प्रशंसा की और यहां तक कह दिया कि संसद में पहुंचने पर धूमल से सीखने का मौका मिला है। योगी ने दो टूक शब्दों में कहा कि प्रेम कुमार धूमल से संसद से सीखकर पार्टी में जाकर कार्य किया और आज राज्य को चलाने के लिए उपयोगी रहा है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय धूमल जी के क्षेत्र में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि धूमल जी हम लोगों से बहुत सीनियर हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग देश में भारतीय जनता पार्टी के अभियान को लेकर के चलते हैं। उनके नेतृत्व में हम लोगों को जगह जगह कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग जब संसद में गए थे तो आदरणीय धूमल जी से हम लोगों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था, कैसे संसद में बोला जाना है, कैसे संसद में कार्य किया जाना है। ये योग्य नेतृत्व का गुण होता है और उस योग्य नेतृत्व से सीख करके जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो आज हम लोगों ने संसद में जो कुछ सीखा पार्टी के अंदर कार्यक्रमों के माध्यम से, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को चलाने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हिमाचल से कम माफिया राज नहीं था, आज वहां का माफिया। सुजानपुर में आदित्य योगी ने कहा कि प्रेम कुमार धूमल प्रदेश में सत्तासीन होंगे और हिमाचल में सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने कहा कि आप सबका सौभाग्य है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर होगी और मुख्यमंत्री आपका होगा, तो याद करना हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, इसमें कई गुना वृद्धि की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। और इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप सबका सौभाग्य है कि आज जब आपकी विधानसभा में मुख्यमंत्री स्वयं प्रत्याशी होकर के आप सबके बारे में और आपको नेतृत्व देने के लिए आपके बीच में उपस्थित हो, तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि अगर मुख्यमंत्री का चुनाव हम लोगों को करना है तो मुख्यमंत्री के पास सामने कोई प्रत्याशी कोई भी मायने नहीं रखता है। और मुझे लगता है कि सारा का सारा चुनाव एक तरफा जाना चाहिए, एक तरफा होना चाहिए, सब कुछ एक तरफ होना चाहिए। यह महसूस होना चाहिए कि विधानसभा ने साबित कर दिया कि पूरा हिमाचल प्रदेश आदरणीय धूमल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ करके आदरणीय अमित शाह जी के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य से कई आगे जाकर के भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय सरकार बनाने में अपना योगदान देने जा रहा है और उस लोकप्रियता को ऊंचाइयां प्रदान करना है इस विधानसभा क्षेत्र को। इस दृष्टि से हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे अपील। धूमल ने कहा कि इस बार सुजानपुर के लोग सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यटन में भी सुधार हो, सुजानपुर के साथ तकदीर बदल कर दिखाएंगे। धूमल ने कहा कि सीनियोरिटी के मुद्दे पर गौर किया जाएगा और जिन कर्मचारियों ने 8 साल पूरे कर लिए हैं उनके लिए सत्ता में आने पर सीनियोरिटी कमेटी गठित की जाएगी। सीनियोरिटी के मुद्दे को फिर से हम देखेंगे, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे कमेटी बनाकर उसमें विचार करेंगे, किसी के हितों को खिलवाड़ नहीं होने देंगे, सुनिश्चित करना चाहते हैं। मेरा भी आगे कार्यक्रम है और श्रद्धेय योगी जी को भी जाना है और मैं चाहूंगा इनका अधिक से अधिक आशीर्वाद मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों को, मेरे जिले के लोगों को, आसपास से आए लोगों को, सबको आपका आशीर्वाद मिले, मार्गदर्शन मिले। जो अपनी बात खत्म करते हुए दो नारे बोलकर बात खत्म करूंगा कि पहले जब सरकारें रही तो दोनों बार बहुमत से जीता था, तो सारे प्रदेश में कहते थे बहुमत की सरकार है, इस बार सुजानपुर की सरकार बनाएंगे, विकास करवाएंगे। सुजानपुर को महाराजा संसारचंद ने बसाया था, इसका चौगान हमें इस बात का सौभाग्य प्राप्त है
कुछ निर्माण होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मैदान है। ये पर्यटक स्थल बने, महलों में कुछ सुधार हो, मंदिरों में सुधार हो, उसका प्रयास निश्चित तौर पे करेंगे और आने वाले समय में इसका केवल तकदीर ही नहीं बदलेंगे, तस्वीर भी बदल के दिखाएंगे। जिन अस्पतालों में कोई डॉक्टर नहीं है वहां पर डॉक्टरों की कमी को अगर पूरा करना है तो सुजानपुर में वो भी किया जाएगा और कैंसर अस्पताल का निर्माण भी किया जाएगा, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। ऐतिहासिक नगरी सुजानपुर में जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसको उभारने की बात है और होली का मेला भी बड़ा किया जाता है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस ऐतिहासिक नगरी को पर्यटन की दृष्टि से और उभारा जाएगा और पूरा शहर, मैं अपने भाई और बहनों को कहता हूं आज एक तस्वीर निकाल लेना और आज से 2 साल के अंदर सुजानपुर शहर का कायाकल्प भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करके दिखाएगी। यही नहीं, इसने पिछले 5 वर्षों में क्या दिया, वीरभद्र जी कल आए थे कुछ कह नहीं पाए, अरे ये कांग्रेस इतनी बट गई है, 5 सीटें हमीरपुर की है, सब पे नहीं गए क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि हमीरपुर से भी जो उनके बाकी 2-3 प्रत्याशी जिला हमीरपुर से लड़ रहे वो जीते। और कांग्रेस जिसने पिछली बार घोषणा पत्र दिया था 2012 में 2016 में, वीरभद्र जी ने कहा ये किस मूर्ख ने घोषणा पत्र बनाया है, और कांग्रेस वालों ने उसी व्यक्ति को इस बार फिर घोषणा पत्र का इंचार्ज बना दिया। और घोषणा पत्र की कोई मीटिंग नहीं हुई, घोषणा पत्र कमेटी की कांग्रेस की कोई मीटिंग नहीं हुई, और जिस दिन घोषणा पत्र रिलीज करना था उस दिन कांग्रेस के ना प्रदेश अध्यक्ष गए ना ही उस घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन गए। कांग्रेस का अपना विश्वास ही अपने घोषणा पत्र में नहीं है तो हिमाचल प्रदेश की जनता क्या विश्वास करेगी। कांग्रेस के लोग कहते हैं वीरभद्र जी ने मात्र 34 सीटों पर अपना फोकस करने की बात कह ली है, जो पहले ही आधी सीटों पर फोकस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश वालों। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में 404 में से केवल 7 सीटें कांग्रेस को जीतने दी थी, हम भी इनको 2 के आंकड़े में नहीं पहुंचने देंगे, उससे कम में निपटा देंगे, 10 से कम सीटों पर कांग्रेस को निपटाएंगे। निपटाएंगे नहीं निपटाएंगे,